అంటాం జిందాబాద్ 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 భారత్ రాయ జిందాబాద్ 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 ఇంగ్లాండ్ జిందాబాద్ 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 భారత్ మాతాకి జయ భారత్ మాతాకి జయ లాల్ ఉదరే సబ్ లోగ్ యారో కిధర్ కిధర్ बताइए क्यों क्या मामला है। आज विभाग से संबंधित विद्युत समता मजदूर संगठन बरेली के साथ जो अनुबंधित कंपनी है ओरियन कंपनी, उसके तहत जो आश्वासन दिया गया है, एक जीओ हम लोग के पास, उसके एक एग्रीमेंट के तहत हमारा जो मानदेय है वेतन वो 7 तारीख को आ जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश विलम्ब हुआ और उनके जो बरेली के प्रबंधक हैं उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 20 तारीख को आपका वेतन जो अविलंब है पूरा बरेली का आ जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी 20, 21, 22 आज 25 तारीख को हमारे जिला अध्यक्ष जहरी खान उनके साथ जो पदाधिकारी थे वो लोग थर्ड डिवीजन के अधिशासी अभियंता से मिले भी, मुलाकात भी हुई और उनके साथ ही ये आश्वासन दिया गया कि आपको सोमवार तक जो भी थर्ड डिवीजन का वेतन है वो आपको शाम तक पूरा अकाउंट में डाल दिया जाएगा। हम लोगों ने इंतज़ार किया, फ़ोन भी संपर्क बना रखे, लेकिन इसके तहत कोई भी ना तो संपर्क हुआ ना ही उन्होंने कोई ठोस जवाब दिया। इसके तहत हम लोगों को आज पता लगा, मैं संगठन का सुनील गोस्वामी प्रांतीय महामंत्री विद्युत समता मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के द्वारा आज अपनी टीम के साथ अधिशासी अभियंता थर्ड को ये अवगत कराना वाजिब समझा और एक नोटिस के तहत हम लोगों ने ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन मुख्य अभियंता बरेली AC शहर एवं अधिशासी अभियंता थर्ड को ज्ञापन दिया गया है कि यदि हमारा वेतन कल शाम तक आज शाम तक नहीं आता है तो कल से हमारे थर्ड के जितने भी क्षमता कर्मचारी हैं वो अपने उपकेंद्र पर उपस्थित रहकर कार्य बहिष्कार करेंगे, किसी तरह का कोई कार्य नहीं करेगा, जिसकी पूरी जवाबदेही अनुबंधित कंपनी एवं विभाग को होगी और जब तक वेतन नहीं आएगा तब तक हमारे क्षमता कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे। जब आपने अधिशासी अभियंता के यहाँ आके जो अपनी मांग को रखा है तो उन्होंने क्या जवाब दिया? अधिशासी अभियंता से हमारी टीम के साथ वार्ता हुई और उन्होंने सारी चीज़ें बड़ी गहनता से सुनी। इसके बाद उन्होंने जितने भी पदाधिकारी थे ओरियन कंपनी के, यहाँ से लेके गौरव भट्टाचार्य, गौरव सत्या कौशर, तमाम पदाधिकारियों को, उनके अधिकारियों को फ़ोन से संपर्क किया, लेकिन शायद मुझे लगता है किसी ने उनके फ़ोन उठाने से परहेज रखा, कोई किसी तरह का संपर्क नहीं हुआ। एक छोटे से सुपरवाइजर से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि फंड अभी नहीं आ पाया है, तो इस तरीके का गुमराह करके उनको टाल दिया गया। और अधिशासी अभियंता ने भी यही कहा कि हम यदि 1 घंटा के बाद आपका वेतन नहीं आता है तो विभाग के द्वारा, विभाग खुद ही संबंधित अनुबंध